गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा मेहरा देसाई। आपकी स्किन भी समय से पहले बूढ़ी होती जा रही है क्या? आपकी स्किन पर फाइन लाइन रिंकल्स आ चुके हैं? आपकी आंखों की स्किन नीचे की लटक चुकी है? आपकी आंखें अजीब सी भारी होती गई और अंदर धंसती जा रही हैं? या आपके गले पर यहाँ पर झुर्री आने लगी है और आपकी उम्र नहीं, या फिर आपका चेहरा बिल्कुल मुरझा सा गया है, ग्लो बिल्कुल खत्म हो गया है? अगर आप ये सारी समस्या या इनमें से कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं तो आज का मेरा इम्पोर्टेंट वीडियो फॉलो करने के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएंगी। देखिए, हम जानते हैं हमारी उम्र रोज बढ़ रही है, हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर वही बुढ़ापा हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाए, मतलब हमारी एज तो बढ़े लेकिन फेस से कोई जज ना कर पाए कि हमारी एज क्या है, हमारी स्किन पे ग्लो इतना रहे, फाइन लाइन रिंकल्स ना रहे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और आज का मेरा ये वीडियो स्पेशली गर्ल्स या वुमेन्स के लिए नहीं है, बल्कि बॉयज भी इसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं। अगर आप 25 की हो चुकी हैं तो प्लीज इन सारी एक्सरसाइज को डेली रूटीन में शामिल करें और फिर देखें अपने चेहरे का नूर। आपकी फाइन लाइंस, आपके रिंकल्स, आपके डार्क सर्कल्स, आपकी आंखों का धसना सब दूर हो जाएगा। तो चलिए, उससे पहले आपको क्या करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जमकर शेयर, ताकि हर कोई इस प्रॉब्लम को दूर करके अपनी खूबसूरती को एनहांस कर सके, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सके। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली क्रिया हमें क्या करना है, सांस अपने मुंह से लेना है और उसमें अपने मुंह में उस एयर को यानी हवा को टाइट लॉक करना है। कुछ सेकंड्स होल्ड करने के बाद हमें रिलीज करना है। ऐसा करने से क्या होता है, आपकी यहाँ की जो लाफ लाइंस होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, आपकी चिक बोन नेचुरली हाईलाइट होती है, आपके फेस से ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया हो जाता है और आपके चेहरे पे एक अलग नूर आता है। तो चलिए क्रियाएं स्टार्ट करते हैं। ऐसा कम से कम आपको 10 टाइम्स करना है। ऐसा नहीं कि खाना खा रखा है, नहीं खाया, टीवी देख रहे हैं, अगर किसी से चिटचाट कर रहे हैं, नॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर काम करके थक चुके हैं, बेड पर लेटे हुए हैं, तो लेट कर जरा सा कमर सीधा करिए और ये क्रियाएं करना शुरू कर दीजिए। आज से तारीख नोट कर लेना कि मैंने कैलेंडर में आज से ये क्रियाएं स्टार्ट करी हैं फेस की, और उसके बाद 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपकी स्किन पर नेचुरली जो विजिबल रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा ना, आप देखते रह जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्रिया की तरफ। इसमें हमें क्या करना है, अपनी जो एयर है जो हम मुंह में भरेंगे उसको एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाना है। रिलैक्स। अब बारी आती है तीसरी क्रिया की, जिसके लिए हमें करना है अपने फेस को पंचिंग यानी पिंचिंग, इस तरह से। इस तरह करने से क्या होता है, हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारे फेस पर नेचुरली ग्लो आता है, हमारा फेस चार्ज हो जाता है। अब हम करेंगे अपने फेस पर टैपिंग। टैपिंग करने से भी हमारा फेस जो होता है एकदम अच्छे से चार्ज होता है, हमारे फेस पर नेचुरली ग्लो आता है, हमारी फाइन लाइन रिंकल्स की प्रॉब्लम भी दूर होती है। अब हमें क्या करना है, अपने गले की जो रिंकल्स हैं उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, नेक को डाउन करना है, देन अप करना, जितना बैक कर सके उतना अच्छा है। इससे आपके गले की नसें जो है खिंचेंगी और यहाँ का जो रिंकल है, स्किन जो सैग हो गई है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारी स्किन पर कोलेजन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन सैग करने लगती है, लटकने लगती है। तो आपको इसको फॉलो करना है। टेन सेकेंड्स होल्ड, देन रिलैक्स। इसको भी आपको 10 टाइम्स करना है।
अगली क्रिया है हमारी आंखें जो अंदर धस जाती हैं उनसे कैसे बच सकें, तो उसके लिए आपको इस तरीके से बाहर से अंदर की तरफ लाना है, टैप करना है बहुत हल्के हल्के हाथों से। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपकी आंखें धंसी हुई हैं वो ठीक हो जाएंगी। गले के लिए एक और एक्सरसाइज बताना चाहूंगी, इसके लिए हमें इस तरीके से फेस करना है। जब आप इस तरीके से मसल्स को स्ट्रेच करते हैं तो आपका एक तो ये डबल जो चिन है वो आपका सिंगल चिन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ का फैट रिड्यूस होगा, और यहाँ की मसल जब स्ट्रेच होती है तो हमारे इस एरिया की जो सैगिनेस है वो खत्म होती है, हमारी स्किन फॉर्म होती है। अब हम करने वाले हैं अपने आईब्रोज को भी इस तरीके से लिफ्ट, ऐसे मसाज करेंगे। इससे क्या होता है, बहुत लोगों की आईब्रोज ना नीचे सैग होने लगती है, ऐसे होने लगती है बेंड एज बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, तो अगर आप इसको पहले से ही प्रोसेस करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, और अगर आप फेस कर रहे हैं तो वो भी थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। इस तरीके से अप साइड में, इस तरीके से आपको अपनी आईब्रोज को अच्छे से मसाज करना है अपवर्ड की तरह, तो आपकी आईलिड जो डबल हो जाती है, जो डाउन हो जाती है, वो डाउन नहीं होगी बल्कि वो भी जो सैग हो गई है लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है, इनको डेली रूटीन में आपने शामिल करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली क्रिया की तरफ। अगली क्रिया है लायन पोज, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये, आपके फेस को एकदम चार्ज कर देती है, आपके फेस पे एकदम ग्लो ले आती है। इसके लिए आपको अपनी टंग को बाहर करना है और जोर से घुराना है। मैं आपको घुरा के नहीं दिखा रही बिकॉज थोड़ा सा आपको ऑन कैमरा अजीब लगेगा, बट लायन पोज एक्चुअल में ऐसा होता है, आपको भी पूरी मसल्स को स्ट्रेच आउट हो जाती है आपके फेस की। ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, इसको करने का बिल्कुल सही तरीका है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके फेस पे इफेक्ट लेकर आता है। लास्ट क्रिया है जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, जब भी आप बिस्तर से उठते हैं सोकर बिना आंखें खोले अपने हथेलियों को रब करें, जो इसकी गर्माहट होती है ना वो आपकी आईज की पफिनेस, आपकी आईज की डार्कनेस यानी डार्क सर्कल्स की समस्या, आपके फेस का जो ग्लो लेकर आती है ना बहुत बेहतरीन होता है। तो आपको अपने हथेलियों को इस तरीके से रब करना है जो वो बिल्कुल गर्म हो जाए। तो सबसे पहले आपने अपने फोरहेड और आईज पे रखना है, देन उसके बाद दोबारा से आपको उसको रब करना है, देन बाकी फेस पे आपको इस तरीके से उसको गर्माहट देनी है। तो आपको ये सारी क्रियाएं कम से कम 10-12 बार करनी है, रोजाना करनी है, जब टाइम हो तब करें, लेकिन जरूर करें, और अपना बेटर एक्सपीरियंस मुझसे जरूर शेयर करें। डेफिनेटली ये आपकी एजिंग को स्लो डाउन करेगा, आपके फेस पे नेचुरली ग्लो लेकर आएगा, और अगर आप 25 से कम हैं, आपके बच्चे के चेहरा बहुत मुरझाया हुआ सा है क्योंकि आजकल स्टडी का बहुत ज्यादा बर्डन है, तो आप उनसे भी ये क्रियाएं फॉलो करवा सकते हैं। योग एक ऐसी चीज है जो हर इंसान हर उम्र के लिए बनी है। ठीक है, तो जरूर फॉलो करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, टेंशन को मारो गोली और एंजॉय करो लाइफ। मिलते हैं हंसी खुशी के साथ, कुछ नई एक्सरसाइजेस के साथ। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।